तो एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दूसरा बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल भावनगर और सूरत के बीच फेरी सेवा की शुरुआत हो चुकी है। ये इलाके के लोगों की एक पुरानी मांग थी और सेवा के शुरू होने से 12 घंटे का सफर अब 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। जहाज के इस हॉर्न का ये ऐलान है कि भावनगर और सूरत के बीच समंदर में फेरी सेवा शुरू हो गई है। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और बड़ा तोहफा दिया है। लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई। लोगों का दिल जीत लेने वाले इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। पीएम ने न सिर्फ जलमार्ग का उद्घाटन किया बल्कि वहां मौजूद लोगों से सीधे बात भी की। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि नई फेरी सेवा कैसे लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। दरअसल फेरी सर्विस सूरत को भावनगर से जोड़ेगी। घोघा और हाजिरा के बीच सड़क मार्ग की दूरी 375 किलोमीटर की है, लेकिन समंदर के रास्ते ये दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। पहले जिस दूरी को कवर करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में 3 से 4 घंटे ही लगा करेंगे। फेरी सेवा की शुरुआत से न सिर्फ समय और ईंधन की बचत होगी बल्कि राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हम लोगों को ट्रेन से जाना पड़ता था या तो बाय रोड भी जाते थे, तो मैं अकेली कभी नहीं जा पाती थी। लेकिन अभी अगर मुझे अकेली भी जाना है, मेरे घर से कभी मेरे कोई भी बड़े हैं, मम्मी है, किसी को भी साथ में लेके जाना है, तो मैं गाड़ी में इजीली जा सकती हूँ। और ये घोड़ो फेरी चालू होने से हमको बहुत फायदा होगा। शॉर्ट टाइम में जा सकते, वन डे में जाके वहाँ से आ सकते हैं, गाड़ी यहाँ से चढ़ा के वहाँ से शाम को रिटर्न आ सकते हैं इधर, तो इसके वजह से बहुत फायदा होगा। गुजरात में समंदर 1600 किलोमीटर में फैला है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच समंदर है और फिर सौराष्ट्र और कच्छ के बीच भी समंदर है। ऐसे में जमीन के रास्ते ये दूरी बहुत ज्यादा है। ये वजह है कि फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ये रोपेक्स सर्विस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण हुआ है। मैं मानता हूँ कि गुजरात के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक नई दिशा और नया द्वार खुला है। इस सेवा के शुरू होने से कारोबारी शहर सूरत और गुजरात के दूर दराज के इलाकों की दूरी कम हो जाएगी। वाटर ट्रांसपोर्ट से ढुलाई का खर्चा भी बचेगा। यही वजह है कि सरकार का पूरा फोकस पानी से कार्गो की बेरोक टोक मूवमेंट को कामयाब बनाने पर है। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।